स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि कर्नाटक के रिजल्ट्स आने हैं, अब से कुछ ही देर बाद रिजल्ट आएंगे और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा बाजार पे होगा। ग्लोबल क्यूज मिक्स है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं, कोई बहुत नुकसान की बात नहीं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं वहां से, लेकिन घरेलू मार्केट में जो आज होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के मद्देनजर हमने अपनी टीम बनाई। हेमंत, स्ट्रेटजी यही होगी? बिल्कुल, बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं और कुछ गेंदबाजों को भी टीम में जगह दी है। आज काफी दिनों बाद कुछ गेंदबाजों को जगह इसलिए दी है क्योंकि अनसर्टेनिटी दिन के दौरान बढ़ सकती है और कुछ स्टॉक्स जो लगातार गिरते जा रहे हैं वहां पर आज भी कमजोरी ही देखने को मिलेगी। लेकिन आज बाजार की दिशा तो कर्नाटक के इलेक्शन से ही तय करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। आज हमें लगता है बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक से आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। और आप याद करिए, पिछले कई दिनों से लगातार हमारी टीम में ये स्टॉक रहा है और 50 रुपए के लेवल से हम हर रोज स्टॉक को रिकमेंड करते आए हैं और क्या जोरदार तेजी इसमें देखने को मिली है। पिछले हफ्ते भी इसने नए 52 वीक्स हाईज लगाए थे और वहां पर जाने का वापस से ये शेयर दमखम रखता है, इसीलिए आज इसे टीम में जगह दी है। दरअसल जैसा कि हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ है। नतीजे जो आए हैं वो बाजार बंद होने के बाद बहुत ही शानदार आए हैं और मार्जिन देखिए 21% से बढ़कर 30% के आसपास पहुंच गए। रेवेन्यूज में 44% का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा 108% बढ़ा है। घाटे से मुनाफे में साल दर साल देखें तो ये कंपनी आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो पहले ही अगर आप देखेंगे तो आ चुकी थी, 11 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये वो स्टॉक है जो आज भी दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। 321 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 287 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, खरीदारी पे ही ज्यादा फोकस मेरी टीम में भी आपको देखने को मिलेगा। एम्फेसिस पहला स्टॉक होगा। नतीजों के बाद से इसमें लगातार बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और कल नोमुरा ने इसमें खरीदारी करी है। उनकी तरफ से करीब 26 लाख शेयर खरीदे गए हैं जो कि 1.4% स्टेक होता है और 961 रुपए के प्राइस पर खरीदे गए, उससे थोड़ा ऊपर जाके ये बंद हुआ है। ध्यान रखिएगा कि नतीजों के बाद से इसमें कई सारे डेवलपमेंट हुए थे, कई सारे इनको ऑर्डर्स मिले थे, उसके आधार पर इसमें बड़ी तेजी बनी थी, तो आज भी हमें लगता है इसमें तेजी बनेगी। 1010 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए। और एक और स्टॉक बता दूं अभी भी, केसी इंटरनेशनल। इस कंपनी ने जो बाजार की उम्मीद थी उसको भी बीट करते हुए बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए। 157 करोड़ के सामने 197 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दिखाया है। 3,316 करोड़ की आमदनी के सामने 3,664 करोड़ की आमदनी है और मार्जिन भी इन्होंने बिल्कुल मेंटेन रखा, तो बेहद शानदार नतीजे केस इंटरनेशनल के। 421 का लग, 405 का स्टॉप लॉस। नजर रखिएगा एचयूएल पर। और अब याद करिए कल हमने सुबह सुबह आपको क्या कहा था, डिपेंडेबल का दर्जा दिया था और कहा था एचयूएल आपको पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है वॉल्यूम के फ्रंट पर। और देखिए इसने तो वॉल्यूम के फ्रंट पर भी आउट परफॉर्म किया और बाकी पैरामीटर्स के फ्रंट पर भी आउट परफॉर्मेंस ही दिखाई है। वॉल्यूम ग्रोथ 11% के अनुमान था 6-8% का। एटमैक्स जो बहुत बुलिश थे वो 9-10% का मान रहे थे वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, लेकिन देखिए 11% का वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही सराहनीय है। मार्जिन पोल था सीएनबीसी आवाज का 21% का, आए हैं 22.5% के मार्जिन। मुनाफा देखिए, पोल था 1337 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी पेश करेगी, 1351 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। तो हर पैमाने पर नतीजे जो है वो बहुत ही शानदार हैं और पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया था कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और हम आपसे लगातार कह रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर इसके नतीजे लगातार इम्प्रूव होते हुए अब यहां से नजर आएंगे। और देखिए शुक्रवार को इसने एक 52 वीक हाई लगाया और उसके बाद कल फिर से इसने 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर लगाया 521 का, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे जाकर बंद हुआ। अच्छी बात यह है कि नतीजों से पहले ये चला नहीं है कल के सत्र में, तो आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 1550 के टारगेट्स आज हासिल यहां पर हो सकते हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस देख लीजिए बहुत ही बुलिश हैं आपके टिकर के नीचे वाले हिस्से में, यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स चल रही हैं उनको देखिए और देखिए किस तरह की जबरदस्त तेजी की एक्सपेक्टेशंस यहां पर की जा रही हैं। तो एचयूएल और आज के दिन थोड़ा सा आपको डिफेंसिस में भी रहना चाहिए क्योंकि कर्नाटक के चुनाव का आउटकम हो सकता है 11-12 बजे तक क्लैरिटी आ जाए, लेकिन ये वो स्टॉक है जो कि चुनाव का आउटकम अगर खराब भी आता है, जो बाजार को पसंद नहीं आता है, तो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। डॉक्टर लाल, इसके नतीजे जो आए हैं उसमें देखिए मुनाफे में करीब 27% का उछाल है, रेवेन्यू में भी करीब 28% का उछाल है, मार्जिन भी इन्होंने 1% के करीब बढ़ा लिए हैं। इसके नतीजे भी उम्मीद से बेहतर है, इसलिए डॉक्टर लाल में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। 820-825 तक का लक्ष्य होगा, 803 का स्टॉप लॉस। और अब कुछ बिकवाली वाले शेयर, इलाहाबाद बैंक और पीएनबी दोनों ही शेयर में बेच के चलना चाहिए। इलाहाबाद बैंक में इसलिए क्योंकि कल जो जांच हुई उसके बाद जो चार्जशीट रखी गई उसमें सीबीआई ने
इनके जो सी और एमडी है उनको इंडक्ट किया है। ये बहुत सीरियस मामला है, नीरव मोदी वाला ही मामला चल रहा था उसकी वजह से। और अगर आप सीबीआई की चार्जशीट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत दिलचस्प बात ये लिखी हुई है कि इंडियन ओवरसीज बैंक में एक ऐसी घटना काफी पहले हुई थी, उसके बाद जब पूरा मामला सामने आया तो आरबीआई ने बताया भी था सारे बैंकों को कि देखिए इस तरीके की मॉडल सप्रेंडी हो सकती है। उसको रिसीव किया था इन सारे बैंकों ने, यानी उनके संज्ञान में था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन किसी ने कोई भी प्रीएम्प्टिव एक्शंस नहीं लिए, इसलिए ये पूरी घटना हुई थी। इसलिए बेच के चलिए इलाहाबाद बैंक में 41 का लक्ष्य शॉर्ट करके चलिए, और पंजाब नेशनल बैंक में भी बेच के चलिए। आज इनके नतीजे भी आने वाले हैं, कोई उम्मीद रखना बेमानी होगा, यहाँ पे भी बेच के चलना चाहिए। पीएनबी में भी 85 का टारगेट होगा। नजर रखिएगा बीईएमएल पर और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पर। और देखिए आज आपको इंतजार करना चाहिए कर्नाटक के चुनाव का, जब आउटकम निकलकर आ जाए। निकलकर जब अगर आता है और बीजेपी के फेवर में वो नजर आता है तो बाजार मानकर चलेगा कि बीजेपी में मोदी की जी की लहर जो है वो बरकरार है, और बाजार मानकर चलेगा कि अब विनिवेश की गाड़ी जो है वो तेजी से चलेगी। कर्नाटक में आपको याद होगा बीईएमएल का विनिवेश जो होने वाला था वो दरअसल उसके ऊपर रोड़ा लगाया था वहां के चीफ मिनिस्टर ने, और अगर कांग्रेस की हार होती है तो फिर मार्केट में ये सेंटीमेंट के लिहाज से एक अच्छी खासी तेजी बीईएमएल में हो सकती है। दो बार 1000 रुपए के नीचे जाने के बाद ये रिकवर कर चुका है, और अब लगता है कि यहां से अगर बीजेपी की जीत हो जाती है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं वो रिस्क लें, और वो भी चुनाव का आउटकम देख लें उसके बाद रिस्क लें। तो बीएमएल में तेजी होगी तो फिर ड्रेजिंग में भी तेजी होगी। तो ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज कर्नाटक के चुनाव के साथ जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इन दोनों स्टॉक्स में होगी तेजी, नहीं बनती है तो इनको छोड़ दीजिएगा, सोचिएगा मैंने आज आपको 8 ही शेयर बताए। चलिए वक्त है यहाँ पे डिपेंडेबल का, और मेरा डिपेंडेबल शेयर होगा नेस्ले। इसको हमने इसलिए चुना है नेस्ले को क्योंकि इसमें जिस समय नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार तेजी बन रही है, और 9,500 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि आज आप देखेंगे ब्रिटानिया के रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पहले एचयूएल के रिजल्ट आ चुके हैं, तो जो कंज्यूमर कंपनियां हैं जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनमें बहुत बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा अच्छी तेजी बनेगी। इसलिए हमने डिपेंडेबल में दिया है, मेरा टारगेट है 10,000, और मुझे उम्मीद है कि इसी सीरीज में, इसी एफएनओ की सीरीज में आपको 10,000 रुपये तक का इसका लक्ष्य आता हुआ दिखेगा, तो नेस्ले में खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन दो और आगे बता दूं, उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन जो मेरा 7वां शेयर है यहाँ पे बेच के चलिए, बहुत कमजोरी की संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं, पूरे ग्रुप के ऊपर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं आज नतीजे पेश करेंगे, नतीजे तो क्या देखना, लेकिन इतनी कमजोरी के बाद यहाँ शॉर्ट करके चलना चाहिए। और रिलायंस नेवल कल हमने कहा था इसको बेचिए, 14% स्टॉक गिरा था क्योंकि दो बैंकों ने उसको एनपीए करार दे दिया है, पूरे ग्रुप के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसलिए यहाँ अभी भी शॉर्ट बनता है। 10 रुपये से नीचे जाएगा तो हम अपनी टीम में शामिल भी नहीं कर पाएंगे। 12.75 का लक्ष्य, 13.75 का स्टॉप लॉस, और रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी 12.75 का लक्ष्य होना चाहिए। पीसी ज्वेलर्स, और इसके ऊपर भी रखिए नजर, और यहाँ पर भी हमारी राय यही थी कि इसको ऊपर में बेचकर ही चलना चाहिए। एक बाउंस जरूर देखने को मिला, जब ये 2 डिजिट पे पहुंचा था तब हम आपसे कह रहे थे जैसे गेंद ऊपर से गिरती है और उसके बाद एक टप्पा खाती है, तो उसी तरह का आपको इसको बाउंस को समझना चाहिए, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर अभी भी जब ये शेयर ऊपर जाता है तो लोग बिकवाली करने आ जाते हैं, कल जैसे ही एफएनओ के बैन से बाहर आया लोगों ने इसमें बिकवाली करी, और लगता है कि आज भी कमजोर हो सकता है, वापस ये नीचे गिरने के लिए तैयार है। आज के लिए अगर कोई भी इलेक्शन का आउटकम भी देखिए बाजार के फेवर में नहीं आता है तो फिर मिड कैप्स की जोरदार पिटाई होगी, और लो क्वालिटी के मिड कैप्स की ज्यादा जोर से पिटाई होगी। और आप देखिए कल के बाजार में भी क्या हुआ, सेंसेक्स निफ्टी जहां पर टिके हुए थे 10,800 के ऊपर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है, मिड कैप्स की स्थिति बहुत कमजोर है, और इस तरह के लो क्वालिटी मिड कैप्स में आपको फिर बेचने के मौके तलाशने चाहिए किसी भी उछाल में। 160 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। एक और ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, वो है बलरामपुर चीनी, और यहां पर भी बिकवाली करने की ही राय निकल कर आ रही है। और आप लोगों को याद है जो स्टॉक 2020 देखते हैं 110 रुपए के लेवल से हम लगातार कह रहे हैं कि ये शॉर्ट है और यहां पर हर उछाल में आपको बेचना चाहिए। और देखिए इस शेयर ने 52 वीक्स लोज ही लगातार लगाए हैं, 3 तारीख को 63.50 रुपीज का एक 52 वीक लो लगाया था, और आज नया 52 हफ्तों का निचला स्तर छूने के लिए ये शेयर तैयार इसलिए है क्योंकि लोग जो मानकर चल रहे थे कि कल जीओएम की एक बैठक में हो सकता है शुगर सेस लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं निकल कर आया है। तो एक तो शुगर सेस नहीं लगा है, दूसरा एमएससीआई ग्लोबल स्मॉल कैप
इंडेक्स से जो हटाए जा रहे हैं शेयर उसमें भी स्टॉक का नाम है। तो 27 एडिशंस हो रहे हैं और 17 डिलीशंस हो रहे हैं। तो डिलीशंस जो हो रही हैं कंपनियां जो निकाली जा रही हैं उस सूचकांक में से, उसमें दरअसल इस शेयर का नाम है। लगता यही है कि यहां पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आज ये स्टॉक एफएनओ के बैन से बाहर आया, जैसे कि कल पीसी ज्वेलर्स आया था, तो आपने देखा पीसी ज्वेलर जिस तरह से एफएनओ के बैन से बाहर आया, लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई। आज बलरामपुर चीनी क्योंकि बैन से बाहर आया है, तो फिर यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख सकती हैं। इसको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। यह है मेरा आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। कुछ और स्टॉक्स हैं जो मेरे पास हैं, जेके पेपर के ऊपर रखिएगा नजर। ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। और देखिए इसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद बहुत ही शानदार आए हैं। मुनाफा देखिए 30% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए करीब करीब 26% से बढ़कर 27.5% के आसपास हो गए हैं। पेपर सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, इसीलिए जेके पेपर को भी टीम में शामिल किया है। एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी रखिएगा नजर, इसके नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए और यहां तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 4 करोड़ का लॉस था, 24 करोड़ का मुनाफा किया है। तो यहां पर हो सकता है आज आपको मौके ना मिले, हो सकता है अपर सर्किट खुलते ही लगा दे, लेकिन अगर ये होता है फिर बाकी के पेपर शेयर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो दो नतीजे पेपर कंपनियों के जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, जेके पेपर और एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज, इन दोनों पेपर कंपनियों के शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। और कुछ और पेपर स्टॉक्स भी हैं मेरी टीम में, वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताता हूं। चलिए अगला टीम यहाँ पे होगा मेरा, वो फ्रीट शेयर होगा और फ्रीट के तौर पे हमने लिया है कावेरी सीड्स। और इसको इसलिए लिया है क्योंकि इनकी 24 मई को बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पे विचार किया जाएगा, तो इस वजह से इसमें तेजी बन सकती है। देखिए लो फ्लोट शेयर है, इसमें बहुत ज्यादा फ्री फ्लोट नहीं होता, लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए इसमें तेजी की गुंजाइश बनती है। और ये सब हाईली कंसंट्रेटेड कंपनीज हैं एग्री सेगमेंट की। तो यहाँ पे नजर रखिए 523 का लक्ष्य होगा, 498 का स्टॉप लॉस और अंत में जेपी एसोसिएट्स में सेल कॉल होगी। कोर्ट की तरफ से इनको आदेश दिया गया है कि बायर्स होम बायर्स के लिए रकम जमा कराएं और उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। इससे पहले इन्होंने जेपी इंफ्रा बेचने की कोशिश करी थी, लेकिन वो जो लक्षदीप ने ऑफर दिया था उसको सीओसी ने स्वीकार नहीं किया है। तो दिक्कत में ये ग्रुप भी है, तो यहाँ बेच चलिए 16 का लक्ष्य होगा, 17.45 का स्टॉप लॉस। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट इस पर रखिएगा नजर और ये है मेरा आज का फ्रीट स्टॉक। और देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पेपर शेयरों में दमदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। एनआर अग्रवाल के अच्छे नंबर्स, जेके पेपर के अच्छे नंबर्स, तो ये वो क्वालिटी स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और लगता यही है कि पेपर शेयर आज कमाल दिखा सकते हैं। पिंच हिटर की बारी है और पिंच हिटर में मैंने आज बॉम्बे वर्मा को टीम में जगह दी है। आपने देखा ब्रिटानिया के नंबर्स आ जाने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। तो ब्रिटानिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर किसी एक ग्रुप कंपनी की है तो वो बॉम्बे वर्मा की, ये होल्डिंग कंपनी है दरअसल वाडिया ग्रुप की। और बॉम्बे डाइंग के आपने नंबर देख ही लिए हैं, बहुत ही जोरदार आए, तो फिर बॉम्बे वर्मा में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है और इसके नतीजे डिराइव होंगे कि ब्रिटानिया किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाता है और बॉम्बे डाइंग किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, तो फिर ये वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। और इसके नंबर्स आने वाले हैं दरअसल बृहस्पतिवार को, इसी बृहस्पतिवार को, तो फिर यहाँ पर अच्छे नंबर्स ब्रिटानिया के एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। 1600 रुपए और उसके ऊपर के लेवल भी आज के सत्र में हासिल हो सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस क्या। On a train in Mongolia.